आज के दिन आजाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। लहराया आजाद फिजा में चांद सितारे वाला परचम। चौदह अगस्त हमारी जिंदगियों में सबसे अहम दिन है। इस दिन हम आजाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। हमारी इनफरादी इज्तिमाई खुशियों का महरो मरकज यही दिन है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और तहरीके पाकिस्तान के कारकुनों की शब रोज मेहनत का सिला पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिला। हमारा वतन अजीज पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में उसके बसने वालों को मिला हो, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी गिरां कदर तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन सब कुर्बान किए। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत। आज़ादी की जिंदगी का सांस गुलामी की हजार साला जिंदगी से बेहतर है। आज़ादी की कदरों कीमत कश्मीरियों से पूछो जो कि एक साल से लॉकडाउन में महसूर हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हमारा वतन बहुत प्यारा है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बल खाते हुए दरिया है। इसमें खूबसूरत सब्ज़ार और लहलहाते हुए खेत हैं, चश्मे आबशारे और समंदर भी हैं। अल्लाह ताला ने इस वतन को चार मौसमों से नवाजा है और कुदरती मादनियात की दौलत से माला माल है। अजीज साथियों, इस मुल्क का आसमान जब रात को चमकता है तब आसमान पर चमकने वाले सारे तारे हमें एहसास दिलाते हैं कि इस मुल्क की जमीन ही नहीं आसमान भी बहुत प्यारा है। इस मुल्क का नाम भी बहुत प्यारा है, यानी पाकिस्तान। चांद जितना आसमान पर अच्छा लगता है उतना ही हमारे मुल्क के झंडे पर। इस मुल्क को चांद की तरह रोशन रखने के लिए हमें अपनी जात से बढ़कर सोचना और अमल करना होगा। खुदा हमारे वतन को सलामत रखे। आमीन।